पूरे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हार भले ही गए हैं, लेकिन उनकी ये हार किसी जीत से कम नहीं है। हाँ, यहाँ शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का एक डायलॉग निरहुआ पे सबसे फिट बैठता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो भैया, अपनी ये लड़ाई निरहुआ भले ही हार गए हैं, अब उन्होंने ये ठान लिया है कि वो अब स्मृति ईरानी के पद चिन्हों पे चलते हुए जिस तरह स्मृति ने अमेठी में लगातार अच्छा वर्क किया और उनका वर्क बोला और उनके काम की सभी ने तारीफ की, और भले ही स्मृति 2014 का लोकसभा चुनाव अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ हार गई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने धमाकेदार वापसी की अपने कामों की वजह से। अमेठी में जिस तरह से उन्होंने जमीनी तल पे काम किया था, अब ठीक आजमगढ़ में निरहुआ उसी तरह से काम करेंगे। निरहुआ का मानना है कि अगर वो हारे हैं तो सीख उन्हें मिली है कि आगे उन्हें कैसा काम करना है, किस तरह जनता के दिल में उतरना है। लेकिन यहाँ पर एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह का जोखिम दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उठाया है भाई, उस तरह का जोखिम जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने अपने प्रति हवा बनाई थी, उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि निरहुआ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन खैर वो सारी बातें बीत चुकी हैं और अब निरहुआ आगे के लिए कार्यरत है। उन्हें ये बात पता है कि भले ही वो हार गए हैं, भले ही वो इस बार फेल हो गए हैं, लेकिन अगली बार उनका प्रयास विफल नहीं जाएगा। और ये बात हम सभी जानते हैं कि निरहुआ जिस काम के लिए लग जाते हैं फिर उनसे बेटर वो काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब एक बात और है जो आजकल सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, वो बात ये है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को सीधे मोदी ने यानी कि पीएम मोदी ने फोन किया और उन्हें दिल्ली बुलाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें दिल्ली इसलिए बुलाया है कि वो अपने 30 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निरहुआ सहित जितने भी सांसद बीजेपी की तरफ से लड़े थे सभी को बुलाया गया है, चाहे वो हारा हो या जीता हो। यानी आप इस खबर के मुताबिक सीधे सीधे कह सकते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को नरेंद्र मोदी ने फोन करके अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन 30 तारीख को यानी कि 30 मई को नरेंद्र मोदी का होने वाले शपथ ग्रहण में दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको जरूर दिखेंगे, क्योंकि जो साहसी कदम दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उठाया है अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का, उस कदम के लिए तो उन्हें इतनी तारीफ बनती ही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।